अरे इंजीनियरिंग करने के बाद चाय बेचना क्यों पसंद किया सर? टैलेंट है और इनोवेशन है इसमें। कहीं बेरोजगारी तो नहीं है? हाँ, बेरोजगारी के कारण तो नहीं? बेरोजगारी कारण नहीं है, नथिंग। नौकरी तो अभी भी मिल जाएगी, आप अपने अंदर टैलेंट रखिए, आपको नौकरी अभी जब चाहे मिल जाएगी। पैसे कम मिलेंगे लेकिन नौकरी की कोई कमी नहीं है। आप ये प्रकार की चाय का यहाँ पे ज्यादा डिमांड हो रहा है? सबसे ज्यादा एक इंजीनियर कड़क मसाला करके, इंजीनियर मसाला करके उसका है सबसे। अभी हम मौजूद है बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में, और हम बिहार से बनारस यूपी आए हुए हैं यूपी चुनाव का कवरेज करने। और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक चाय स्टॉल दिखा जिस पे लिखा हुआ था इंजीनियर चाय वाला। फिर जब हमने इस भाई साहब से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि हमने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद अभी चाय बेच रहा हूँ। तो आपको बता दें कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये भाई साहब इंजीनियर बन के चाय बेच रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किन किन प्रकारों का चाय बेचते हैं और आखिर इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ चाय बेचना क्यों पसंद किया। सर, आपने इंजीनियरिंग छोड़ चाय बेचना क्यों पसंद किया? अरे इंजीनियरिंग करने के बाद चाय बेचना क्यों पसंद किया सर? टैलेंट है और इनोवेशन है इसमें। एक मिनट में 100 चाय प्रिपेयर कर देते हैं, ये एक तरह का इनोवेशन है। हर चीज़ों में इनोवेशन चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक का अल्टरनेट लेके आया हूँ गन्ने के जूस में, 10-12 तरह का गन्ने का जूस निकालो। हाइजीनिक है और प्योर है और बाकी जगह से अलग है थोड़ा सा, इसीलिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है। हाँ, कॉफ़ी क्या हुआ भाव जी? हाँ हाँ, हेलो, हाँ हो गया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हर चीज़ों में क्रिएटिविटी लेके आया हूँ इसीलिए है, और बहुत तरह तरह की फ्लेवर लेके आया हूँ। गन्ने का जूस लेके आया हूँ, 10-12 तरह का कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, क्रिएटिविटी है और क्या। कहीं बेरोजगारी तो नहीं है? हाँ, बेरोजगारी के कारण तो नहीं? बेरोजगारी कारण नहीं है, नथिंग। नौकरी तो अभी भी मिल जाएगी, आप अपने अंदर टैलेंट रखिए, आपको नौकरी अभी जब चाहे मिल जाएगी। पैसे कम मिलेंगे लेकिन नौकरी की कोई कमी नहीं है, आप ये दिमाग में डाल लीजिए। नौकरी की पूरे भारतवर्ष में कमी नहीं है, लेकिन क्या है, आपको कम पैसे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ कोई करना नहीं चाहता है, आपको चाहते हैं कि आप शुरुआती में आप 50,000 कमाना स्टार्ट कर दें तो नथिंग एल्स, वो प्रॉब्लम है, वो हो ही नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो 100 में से एक या दो लोग को 150,000 की नौकरी मिलेगी। तो आपको धीरे धीरे लगना पड़ेगा, तब होगा। ये होता है पेशेंस का खेल होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। अच्छा, आप किन किन प्रकार की चाय बनाते हैं? मैं देखिए, मैं बनारस का हूँ तो एक मैंने बनारसी पान की चाय निकाली है, ठीक है। लगभग 10-12 तरह की चाय बनाता हूँ जिसमें से 2 चाय गन्ने के जूस से बनती है। ये बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी है सर। तो आपने कभी सुना होगा गन्ने के जूस की चाय बन रही है? मैंने निकाली है सर, बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी है, वही तो अपना पैशन है और अपना फॉलो हो रहा है। अच्छा, अभी किस प्रकार की चाय का यहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो रहा है? सबसे ज़्यादा एक इंजीनियर कड़क मसाला करके, इंजीनियर मसाला करके उसका है सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। जो भी आता है इंजीनियर का मसाला मांगता है। सर देखिए, पहले ज़माने में चाय का मतलब होता था आयुर्वेदिक, अब क्या है, दूध चीनी पानी का खेल बना दिए। तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं किया मैंने, क्या है, कुछ मसाले लेके आते हैं सर, क्रिएटिविटी आ जाए, तो अपना काम बन गया क्रिएटिविटी लाने से, यही अपना वर्किंग आवर। अच्छा, यहाँ आप कब से, मतलब ये स्टॉल को कब से खोल कर रखे हैं? ये अभी लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 5 तारीख को 3 महीने हो गए हैं, तो कंटिन्यू है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए जैसे कोरोना सिचुएशन आ रही है तो लोगों का चहल पहल और भी कम हो गया है, तो देखते हैं कैसे भी कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू तो करना है, कुछ चीज़ें की प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसको कंटिन्यू करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब ये लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनके जहन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि एक इंजीनियर साहब इंजीनियरिंग छोड़ दिए, अगर कहीं किसी कंपनी में जाते तो लाखों का पैकेज मिलता, और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए और ये चाय बेच रहा है, तो महीने का कितना कमाते होंगे? देखिए सर, अप डाउन चलता रहता है, ग्राफ पर है, पैरामोलर ग्राफ है, ऊपर नीचे होता है, जैसे आपका बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक का टाइम है तो अभी क्या चल रहा है कि ज़्यादा, अभी 3 महीने हुए हैं तो कोई भी बिजनेस में कम से कम 1 से 1.5 साल देना पड़ता है, तो ना लॉसेस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो। अब वो चाय से स्टार्ट किया है क्योंकि चाय में ध्यान से देखिए, इसमें रॉ मटेरियल कम है ख़राब होने के। आप अचानक ही अब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि 10-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। तो आपको लगना पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा, सीधा बात यह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया चाय बनाने के बीच में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये हमारे देश के युवा बेरोजगारी बेरोजगारी का जो ढोल पीट रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन रहे हैं, जो कि आपने रोजगार छोड़ बेरोजगारी नहीं है सर, बेरोजगारी नहीं है। आदमी देखिए, अब काम तो काम होता है, काम करना पड़ेगा सबसे मेन चीज़ है, तभी होगा आपका काम। काम आपको बता दें कि हमारे देश के एक और इंजीनियर साहब हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ पत्रकारिता करते हैं,
और एक और हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ चाय बेच रहे हैं। और आप देख रहे हैं आर मीडिया बनारस से, मैं अनमोल तिवारी।